एपीएन सेटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोकॉल, रोमिंग प्रोटोकॉल, बियरर और सर्वर। ये चार चीजों के सेटिंग्स के बारे में आप सभी को बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन क्या उन वीडियोस को देखने के बाद आपने जब सेटिंग्स के अंदर चेंजेस करें तो क्या आपको कुछ फायदा हुआ? देखिए, आपको पूरी सेटिंग बताई जाती है इंटरनेट के ऊपर कि आप एपीएन सेटिंग में ये बदलाव करें, और आप बदलाव करने के बाद आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो मैंने थंबनेल लगाया था वो सिर्फ आप लोगों को आकर्षित करने के लगाया था कि आप लोगों को सच्चाई से जो है अवगत करा सकूं। देखिए, होता यह है कि एपीएन सेटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ज्यादातर चीजें बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अपने आप आती हैं और वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती हैं। मतलब ये कि जियो का अलग होता है, एयरटेल का अलग होता है, वोडाफोन का अलग होता है और साथ ही साथ बीएसएनएल का अलग होता है, लेकिन उसके अंदर क्या लोगों के द्वारा आपके मोबाइल में चेंजेस कराए जाते हैं? तो सबसे पहले बोला जाता है नेम चेंज करने का। देखिए, नेम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नेम कुछ भी रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सिर्फ एक एपीएन का नाम रखा जा रहा है। वहीं पे आपको एपीएन का जो होता है एपीएन, उस पे कोई सिस्टम में चेंज करने के लिए नहीं बोला जाता है। वो अगर जियो है तो जियो नेट ही बोलेंगे, वोडाफोन का है तो जो वोडाफोन का आता है एमएमएस करके वो ही बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंज करने को नहीं बोलेंगे। फिर कहां चेंज करने को बोलेंगे? यूजर नेम पे। यूजर नेम में बोलेंगे कि ये चीज डाल दो। देखो, नेम बोला उन्होंने बदलने के लिए, यूजर नेम बदलने के लिए बोला। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है स्पीड से, ये दोनों उन्होंने बदलवा दिया। उसके बाद आपको सर्वर में मेन खेल किया जाता है। सर्वर में क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं www.google.com डालो, कई लोग जियो का सेट कराते हैं तो www.jio.com डालो, कई लोग जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है उसमें देखते हैं कि उसके अंदर जियो के जो सर्वर नेम है उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, नॉट सेट लिखा हुआ है। अब जो नॉट सेट जितने लिखे होते हैं सेटिंग्स के अंदर, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर अगर आपने छेड़खानी करी तो आपका हो सकता है कि ना चले इंटरनेट, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोर्ट नेम, एमएमसी नेट, ये सब होता है, ये सब में आपको चेंज नहीं करना है। एमएनसी में अगर चेंज कर देंगे तो लोकेशन आपका चेंज हो जाएगा, उससे परेशानी आपको हो सकती है। चेंज नहीं करने को बोलते हैं, एपीएन टाइप नहीं चेंज करने को बोलते हैं। अब इसके बाद क्या चेंज करने को बोलते हैं? एपीएन प्रोटोकॉल और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। अब देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट दो प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, आईपी 4 वर्जन, आईपी 6 वर्जन। इसके अंदर होता यह है कि आईपी 4 में स्पीड की कुछ कमी होती है, आईपी 6 में स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, और कुछ कंडीशन है जिसके ऊपर दोनों काम करते हैं। अब ये लोग क्या कराते हैं आपको कि अगर आपके मोबाइल में आईपी 4 है या फिर आईपी 6 है तो उसको हटा के वो आईपी 4/IP6 करवा देते हैं। रोमिंग वाले में भी सेम काम करवा देते हैं। उसके बाद बियरर में जो अनस्पेसिफाइड रहता है उसको हटवा के LTE करवाते हैं। चलो, LTE कराना एक हद तक ठीक है कि वो LTE का अपना सर्वर यूज करेगा बियरर के नाम के ऊपर। अब देखो, क्या इससे स्पीड बढ़ता है? देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग किसी पे विश्वास करते हैं ना, किसी यूट्यूबर के ऊपर या किसी वैसे ब्लॉगर के ऊपर, तो हमें लगता है कि हाँ, स्पीड तो बढ़ गया। लेकिन मेरी बात मानिए, आपने जो नया क्रिएट किया APN, उस APN के थ्रू अपना इंटरनेट स्पीड चेक कीजिए एक बार, और जो पुराना APN आपका चल रहा था उस पर क्लिक करके उसके थ्रू इंटरनेट स्पीड चेक कीजिए आप अपना, देखिएगा तो बहुत अंतर नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि जब अब APN सेटिंग चेंज करते हैं तो थोड़े देर के लिए, 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट के लिए आपका इंटरनेट स्पीड सही हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर आपको जो चीजें मिल रही हैं, हो सकता है कि थोड़ी अच्छी मिलने लग जाए नई सेटिंग्स के ऊपर। लेकिन ये 100% सिक्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि हम APN बदलवा के आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। कुछ कंडीशंस में बढ़ जाते होंगे, वो डिपेंड करता है आपके एरिया के जो कंजम्पशन यूनिट्स हैं उसके ऊपर, आपके एरिया के नेटवर्क्स के ऊपर और आपके एरिया के प्रोटोकॉल के ऊपर। तो इन बातों को ध्यान रखिए। सबसे पहले जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे APN सेटिंग के बारे में, तो इतने सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं और डेली बना रहे हैं, लोग व्यूज भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत गलत चीजें दिखाते हैं लोग, और गलत चीजें देखने का लोगों का बहुत शौक है। कमेंट भी बहुत जगह पे गालियां देते हैं, बहुत जगह पे लोग कहते हैं हमें सही हो गया। तो आप लोग जो मैंने बताया ना, ये सारा काम जरा करके बताइए मुझे। सर्वर चेंज कीजिए सिर्फ, वहां पे आपको www.google.com डालना है, किसी भी तरीके का आपका मोबाइल कनेक्शन हो। वहीं पे आपको प्रोटोकॉल जो दिखा रहे होंगे, प्रोटोकॉल जो APN वाले हैं, वहां पे आपको IP4/IP6 दोनों में डाल देना है, और बियरर में LTE करना है। ये चार काम कीजिए, और नेम जो है अपना नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका नाम हो उसको नेम में डाल दीजिए, और यूजर नेम में उसके आगे GPS करके डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये चार पांच चीजें करके जरा देखिए क्या आपका इंटरनेट स्पीड बदलता है या नहीं बदलता है। google.com, www.google.com डालना है सर्वर की जगह पे। इस बात को ध्यान रखते हुए जरा चेंजेस कीजिए और मुझे बताइए क्या आपके इंटरनेट स्पीड में बदलाव आया है या नहीं आया है। APN सेटिंग्स का फायदा होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर बहुत तरीके की बातें मार्केट के अंदर चलती हैं, लेकिन यूट्यूबर्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं।
गलत तरीके से आपको एपीएन सेटिंग्स बताते हैं और 99% टाइम उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से उस तरीके की कोई भी वीडियो मत देखिए जो आपके टाइम को खराब करता है, जिससे आपका इंटरनेट स्पीड सही नहीं हो सकता है, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा लगातार मुझे मैसेज किया गया पिछले एक दो हफ्ते से कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, बहुत लोग बना रहे हैं। मैंने सोचा कि इस पर चेकिंग की जाए, रिसर्च किया जाए, थोड़ा पता लगाया जाए। सब कुछ देखने के बाद, पता लगाने के बाद, मोबाइल में सेटिंग चेंज करने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग लाखों व्यू ले रहे हैं खाली गलत चीजें बता के। तो मेरे हिसाब से एपीएन सेटिंग का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो आप लोग बदलाव कर सकते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसका इंपैक्ट आपके मोबाइल के ऊपर नहीं पड़ेगा। मोबाइल के ऊपर हमेशा आपके रेंज का, आपके एरिया में कैसा नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है उसका, और साथ ही साथ आपके एरिया में कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है लोगों का, कितनी ज्यादा यूज की जाती है इंटरनेट की, ये तीन चार चीजों पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एपीएन सेटिंग चेंज कर दो और आपका इंटरनेट स्पीड डबल ट्रिपल फोर टाइम्स हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखिए और आगे आने वाले टाइम के अंदर वीडियोस वही देखा कीजिए जिसके अंदर आपको सच्चाई मिले, जिसके ऊपर आपको सही लगे कि हाँ ये देखने के बाद आपको कुछ फायदा हो रहा है। तकनीकी सर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो लाइक करने के बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।